हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, आरजे नर्सिंग एकेडमी में मोस्ट वेलकम्स। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले गोल्डन की पॉइंट पार्ट 5, जो कि ESIC और सफदरजंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन, इन बाइसेप्स रिफ्लेक्स इज, बाइसेप्स रिफ्लेक्स क्या होता है? कॉन्ट्रक्शन ऑफ द बाइसेप्स मसल्स, यही बाइसेप्स रिफ्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, नॉर्मल टोटल बिलीरुबिन कितना होता है? 0.12 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यह भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मल टोटल बिलीरुबिन कितना होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आई इरिगेशंस। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है कि इरिगेट लिस्ट इन्फेक्टेड आईज फर्स्ट देन मोर इन्फेक्टेड आईज। इसका मतलब है कि फर्स्ट जो सबसे कम इन्फेक्टेड आई है उसको इरिगेट करना है और देन मोर इन्फेक्टेड आई को इरिगेट करना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं अपन, पॉइंट नंबर 4, रेस्पायरेशंस आर एबनॉर्मली सेलो फॉर 2 to 3 ब्रीथ फॉलोड बाई इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया आर कोल्ड एज। इसका मतलब है कि जो एबनॉर्मली सेलो रेस्पायरेशन हो रहा है, दो से तीन ब्रीद फॉलोड बाय इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया। जो इरेगुलर पीरियड हो रहा है एपनिया का, उसके बीच बीच में 2 से 3 बार एबनॉर्मली सेलो ब्रीदिंग हो रही है, तो उसको क्या नाम कहेंगे अपन, कौन सा पॉइंट कहेंगे? बायोट रेस्पायरेशंस, एज कॉल्ड बायोट रेस्पायरेशंस। इसका सेकेंड नाम है चाइन स्ट्रोक रेस्पायरेशंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पॉइंट नंबर 5, वाइल वियरिंग ग्लव्स, फर्स्ट ग्लव्स नीड टू वियर इन हैंड्स। जब आप ग्लव्स पहन रहे हो तो फर्स्ट कौन सा हैंड में पहनोगे? तो इसका राइट आंसर जाएगा नॉन डोमिनेंट हैंड में। फर्स्ट आपको नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर ग्लव्स पहनना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6, रेट ऑफ वेंटिलेशन एक्सिस्ट नॉर्मल इज। जब वेंटिलेशन एक्सिस्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपर वेंटिलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7 है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड साइनोसिस। पॉइंट नंबर 8, डिक्रीज एच प्लस एंड डिक्रीज एन पी सी ओ टू इज द फीचर्स ऑफ रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस। फ्रेंड्स, रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस में क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, pH होता है जो 1/ व्युत्क्रमानुपाती होता है H प्लस के, हाइड्रोजन आयन के। जब pH बढ़ेगा फ्रेंड्स, जो इस रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस के अंदर क्या होता है, pH बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन कम हो जाता है। तो इसमें एक तो हाइड्रोजन आयन कम हो रहा है और एक सेकेंड होता है कि pH CO2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब pH बढ़ रहा है तो CO2 कम हो रहा है, एक तो CO2 कम हो रहा है, एक H प्लस आयन कम हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस। ऐसे इसको क्वेश्चन को निकालना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 9, द मोस्ट एबंडेंट केटाइन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। जो ECF होता है उसके अंदर मोस्ट एबंडेंट केटाइन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स कौन सा होता है? सोडियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर द एडल्ट इज, एक एडल्ट पर्सन होता है उसके अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये होता है 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए रेस्ड लीजन्स मोर देन 1 cm क्या कहलाता है? पेप्यूल्स। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, इफ बीट आर मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल इट इज टर्म्ड एज इंटरमिटेंट पल्स। यदि बीच बीच में जो बीट होती है वो मिस्ड हो जाती है एक रेगुलर इंटरवल के बाद में, तो उसको इंटरमिटेंट पल्स के नाम से जाना जाता है। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13,
ए पेशेंट रिफ्यूज हैविंग एनजी ट्यूब्स, द नर्स स्टिल पुटिंग एनजी ट्यूब फॉर द क्लाइंट कमिटेड, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इवेक्यूएंट एनिमा इज ए कोल्ड एनिमा कहलाता है। इवेक्यूएंट एनिमा एक कोल्ड एनिमा का एक टाइप होता है, कोल्ड एनिमा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, विच इज यूज फॉर इरीगेशन ऑफ ब्लेडर्स माउथ वाश एंड सीज बात, जो ब्लेडर माउथ वाश और सीज बात को इरीगेशन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया जाता है इनके लिए। द एब्रीवेशन QH3 को क्या बोलते हैं अपन? थ्री हावर्सली, इसका एब्रीवेशन है QH3 का, थ्री आवर्सली। थ्री आवर्सली का तो 24 आवर्स का कितना हुआ, तो थ्री आवर्सली एक दिन के अंदर 8 बार देना है। ओके फ्रेंड्स, थ्री आवर्सली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द गोज साइज ऑफ द नीडल यूज फॉर द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए जो नीडल यूज करते हैं उसका गोज कितना होता है? गेज 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए नैरो कप इज यूज फॉर मेजरिंग बीपी देन व्हाट विल बी आउटकम्स, यदि आप नैरो कप यूज कर रहे हो बीपी यूज मेजर करने के लिए तो उसका क्या आउटकम निकलेगा? तो इसका राइट आंसर जाता है फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन, आपको फॉल्सली हाई रीडिंग मिलेगी। ये भी एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 19, नर्सिंग इज ए थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज दैट प्रिस्क्राइब एनालिसिस एंड एक्शंस टू केयर फॉर एन इल पर्संस, इट इज़ प्रपोज्ड बाई, ये थ्योरी किसने कही थी? केलिस्टर रॉय, केलिस्टर रॉय ने यह थ्योरी का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डिसएडवांटेज ऑफ बॉइलिंग इज, बॉइलिंग का डिसएडवांटेज क्या होता है? स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू बॉइलिंग, जो बॉइलिंग के अंदर है जो स्पोर्स प्रजेंट रहते हैं, जो बॉइलिंग करते हैं तो स्पोर्स उसके अंदर मिलते हैं, इसका एक डिसएडवांटेज होता है बॉइलिंग का। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 21, वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर्स इन अपर आर्म कोर्साकॉफ साउंड्स इज ऑस्कल्टेड इन द ब्लड वेसल्स, जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो अपर आर्म से तो कोर्साकॉफ साउंड्स मिलता है, कोर्साकॉफ व कब किस ब्लड वेसल्स के अंदर सुनाई देता है? तो ये ब्रेकियल आर्टरी के अंदर, ब्रेकियल आर्टरी में ये साउंड सुनाई देता है। पॉइंट नंबर 22, विच कंप्लेन बाई ए पेशेंट इज इंडिकेटिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो इसका राइट आंसर जाएगा एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिनेस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 23, चेस्ट ड्रेन शुड नॉट बी क्लेम्ड, वाई, चेस्ट ड्रेन को क्लेम क्यों नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इट लिस्ट टू टेंशन न्यूमोथोरिक्स, न्यूमोथोरिक्स को कम करने के लिए इसको क्लेम्प नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर मील इज एब्रीवेटेड एज पीसी, जो आफ्टर मील का जो एब्रीवेशन है वो पीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वाइल गिविंग एनजी टू फीडिंग्स विच नर्सिंग एक्शंस प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, जब आप एनजी टू फीडिंग दे रहे हो तो कौन सा नर्सिंग एक्शंस प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस करता है? वह प्रोवाइड हाई पावरलेस पोजिशन, पेशेंट को हाई पावरलेस पोजिशन प्रोवाइड करवाना है कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज बेस्ड ऑन, ये क्या किसने कहा था, किसके ऊपर बेस्ड है, कौन सी थ्योरी के ऊपर? कि द कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी नाम दिया गया इसको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 27, द ट्यूब इंट्रोड्यूस इन द रेक्टम्स ऑफ द पेशेंट्स टू रिलीव गैस इज नोन एज, जो ट्यूब गैस को रिलीव करने के लिए इंट्रोड्यूस की जाती है रेक्टम के अंदर उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं फ्लेटस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 28, विजुअल एक्विटी कैन बी असेस्ड विथ, विजुअल एक्विटी किसके द्वारा असेस किया जाता है, ये स्नेल चार्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ स्नेल चार्ट वाला, बहुत बार देखा गया है इस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पॉइंट नंबर 29, सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर्स टू द नॉर्मल इज टर्म्ड एज क्राइसिस। पॉइंट नंबर 30, द पोजिशन गिव फॉर एयर एम्बोलिज्म आफ्टर टोटल पेरेंटल न्यूट्रेशंस, द पोजिशन गिवन फॉर द एयर एम्बोलिज्म आफ्टर टोटल पेरेंटल न्यूट्रेशंस, कौन सी पोजिशन देते हैं उसके बाद में, ट्रेंडलन बर्ग एट 20 डिग्री एंड हेड टू लेफ्ट साइड्स, ट्रेंडलन बर्ग देना 20 डिग्री पे और उसके हेड को लेफ्ट साइड में कर देना है अपने को। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 31, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट, हु इज़ द करंट TNI प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, जो करंट TNI का प्रेसिडेंट है वो, ये तो गलत है, मैं नया प्रेसिडेंट अभी 2019 में जो नया बना उसका नाम बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो नया बना डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, ये न्यू 2019 का नया प्रेसिडेंट बना TNI का। ओके फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चंस है, 2018 का जो एग्जाम हुआ था 2018 में एम्स का, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है। TNI का प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, डॉक्टर रॉय के जॉर्ज 2019। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 32, कार्डिक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स स्केलेटल मसल से कैसे डिफरेंट होती है, इट इज़ ए ऑटोमेटिसिटी, जो कार्डिक मसल्स है उसमें ऑटोमेटिसिटी का गुण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 33, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स एज ए फिजिकल कंडीशंस द रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिटवीन्स, जो फिजिकल कंडीशन के आधार पर, जो पेशेंट की एज के आधार पर अपन रूम टेम्परेचर पेशेंट मेंटेन कैसे रखते हैं रूम का, 68 and 74 degree Fahrenheit। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ए नर्स एडमिनिस्टर्स ए रॉन्ग डोज ऑफ मेडिकेशन टू ए क्लाइंट्स, अपॉन रियलाइजिंग द मिस्टेक्स सी इमीडिएटली रिपोर्ट टू द ऑथोरिटी एंड डिड द इंसिडेंटल रिपोर्टिंग इट दिस। सो एक नर्स है जिसके जो एडमिनिस्टर करती है, गलत डोज एडमिनिस्टर कर देती है, उसके बाद में उसको रियलाइज होता है कि उसने मिस्टेक कर दी है, वो इमीडिएटली रिपोर्ट करती है ऑथोरिटी को, एंड उसके बाद में उसे क्या इंसिडेंटल रिपोर्टिंग क्या होता है, जिसको उसको क्या बोलते हैं अपन, अकाउंटेबिलिटी, जिस टर्म को बोलते हैं अपन अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डिफरेंस बिटवीन द एपाइकल्स एंड रेडियल पल्स, एपाइकल और रेडियल पल्स उसमें डिफरेंस को क्या बोलते हैं अपन, पल्स डेफिसिट्स। एपाइकल पल्स और जो रेडियल पल्स होता है उसका डिफरेंस बिटवीन एपाइकल पल्स एंड रेडियल पल्स इज कॉल्ड पल्स डेफिसिट्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मिल्की वाइट कलर्स ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू फिलारियासिस, जो फिलारियासिस डिजीज होती है उसके अंदर मिल्की वाइट कलर मिलता है यूरिन का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 37, इज द पल्स पॉइंट विच इज यूजुअली यूज फॉर काउंट द पल्स रेट इन इन्फेंट्स, एपाइकल, एपाइकल इज द पल्स रेट, पल्स पॉइंट विच इज यूजली यूज टू काउंट द पल्स रेट इन इन्फेंट्स, जो एपाइकल पल्स पॉइंट होता है उसको यूज किया जाता है पल्स रेट, इन्फेंट की पल्स रेट ज्ञात करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन आवर ब्लड पर 100 ml इज, एक अपना जो 100 ml जो ब्लड होता है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड की वैल्यू कितनी होती है, वह 0.009%। ओके फ्रेंड्स,
पॉइंट नंबर 39, गैस स्टरलाइजेशन इज अदरवाइज नॉन एज, गैस स्टरलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है? फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन द प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस विच इज़ द कन्वर्टेड इन ग्लाइकोजन्स, जो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर विच इज़ कन्वर्टेड इन टू ग्लाइकोजन, कौन सा प्रोडक्ट है जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन जो बनता है उसको ग्लाइकोजेनेसिस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 41, व्हेन परफॉर्मिंग ट्रेकोस्टोमी सक्शनिंग्स द नर्स शुड विड्रॉ द कैथेटर आफ्टर अप्लाइंग इंटरमीडिएट सक्शन फॉर मैक्सिमम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा सक्शन नहीं करना है। पॉइंट नंबर 42, विच ब्रीथ साउंड इज रेफर्ड टू एज क्लासिकल साइन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा का क्लासिकल साइन क्या होता है? वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड इज ब्रोंकियल अस्थमा का क्लासिकल साइन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द नर्स इज इन्फॉर्म्ड दैट ए क्लाइंट विथ ए लार्ज सर्जिकल इंसिजन्स इज बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटेंसिव केयर यूनिट्स टू द सर्जिकल यूनिट्स, वाट मेडिकेशन डज द नर्स एंटीसिपेटेड द फिजिकल विल बी ऑर्डर फॉर दिस क्लाइंट्स, ये एस्कॉर्बिक एसिड ऑर्डर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हाइपोक्सीमिया इज ए, हाइपोक्सीमिया क्या कहलाता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड्स, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एन एजेंट दैट विल इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट नेसेसरली किलिंग देम, एक जो ऑर्गेनिज्म होता है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है विदाउट नेसेसरली किलिंग, बिना उसको किल किए हुए, उसको क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को, उसको बिना उसको किल किए हुए उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को कम कर देता है, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन बॉडी मैकेनिक्स बाय ए नर्स, ये राइट आंसर इज टू अवॉइड स्ट्रेन एंड फेटिग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जिलेटिनस कंटेनर्स होल्डिंग ए ड्रग्स इन पाउडर लिक्विड एंड ऑयल फॉर्म, जो पाउडर लिक्विड और ऑयल फॉर्म जो ड्रग्स होती है उसके ऊपर जिलेटिनस जो कंटेनर होता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, थर्ट्स कंट्रोल सेंटर इज लोकेटेड, थर्ट्स कंट्रोल सेंटर कहाँ मिलता है? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में थर्ट्स कंट्रोल सेंटर मिलता है। फ्रेंड्स, इसी से मेरे को एक क्वेश्चन और याद आता है, आपको बता दो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ मिलता है? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी हाइपोथैलेमस के अंदर मिलता है, थर्ट्स कंट्रोल सेंटर भी हाइपोथैलेमस के अंदर मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन, जो रेस्पायरेशन सेंटर होता है, जो रेस्पायरेशन सेंटर होता है, रेस्पायरेशन सेंटर वो कहाँ मिलता है? मेडुला ओब्लोंगेटा में। और जो CVS से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो ब्लड प्रेशर का सेंटर कहाँ पे मिलता है? ये भी मेडुला ओब्लोंगेटा में मिलता है। रेस्पायरेशन और CVS ब्लड प्रेशर का सेंटर मिलता है मेडुला ओब्लोंगेटा में, और थ्रस्ट सेंटर्स और जो होता है टेम्परेचर उसका होता है हाइपोथैलेमस के अंदर मिलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 49, द साइट यूज फॉर सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन्स आर, सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन में कौन सा साइट यूज करते हैं? एब्डोमिनल वॉल हाफ वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द फ्लैंक, ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की साइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, स्टारवेशन डायबिटिक केटोसिडोसिस शोक एंड डायरिया में लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गए 15।
आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दिए सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक करना जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।